नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फोस्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फोस्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 40,000 पदों पर नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, जहां पर 17,000 पदों पर एक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। बाकी बचे हुए 23,000 पदों को कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से उन तमाम भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है, जहाँ पर आप लोग आवेदन भी करें, इसके साथ ही अपनी एक सीट भी ले सकें। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भर्तियों को लेकर थोड़ा सा टोटा है, क्योंकि भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हो रहे हैं, लेकिन आसपास के राज्यों के माध्यम से लगातार भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं, बल्कि एक बड़ी संख्या में भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। उसी क्रम में अगर बात की जाए, दिल्ली सरकार के माध्यम से खाली पड़े हुए 40,000 पदों को भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कहना है उनके प्रमुख सचिव के माध्यम से। नीचे लिखा है कि दिल्ली सरकार में अलग अलग श्रेणी में खाली पड़े हुए 40,000 से ज़्यादा पदों को भरने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसमें से लगभग 23,000 पदों को प्रमोशन के माध्यम से भरा जाएगा, बल्कि 17,000 से अधिक पदों पर नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी होंगे। मुख्य सचिव नरेश कुमार जी के निर्देश पर अगर बात की जाए, सेवा विभाग ने इन खाली पदों को भरने के लिए सभी विभागों को एक आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि विभाग के खाली पदों को भरने के लिए UPSC इसके अलावा DSSB को जल्द से जल्द भेज दिए जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि DSSB के माध्यम से जो भर्ती के विज्ञापन जारी होते हैं, आप सभी जानते हैं वो लगभग शिक्षक भर्तियों के ही विज्ञापन जारी किए जाते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन के विज्ञापन जारी होते हैं, TGT PGT प्राथमिक के ही भर्ती के विज्ञापन जारी किए जाते हैं। तो लगभग यहाँ से DSSB के माध्यम से लगभग 17,000 पदों पर आपकी जो भर्ती के विज्ञापन है वो जारी होंगे, जिसमें प्राथमिक का भी पद होगा, TGT का भी पद होगा, PGT का भी पद होगा, और इसके अलावा कुछ और पद भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि टेक्नीशियन और इसके अलावा लाइब्रेरियन के पद होने वाले हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो दिल्ली से लगभग 40,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियों के विज्ञापन जारी होने वाले हैं, जिसमें से 23,000 तो प्रमोशन से भरे जाएंगे, लेकिन जो 17,000 पद होंगे वो आपको शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियों के मिलाकर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जो भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, जिससे कि आप लोग इसमें आवेदन भी कर सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश और सभी राज्यों के अभ्यर्थी दिल्ली के अंदर आवेदन भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।